वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार अगर आप एक नया गेमिंग यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो और उसमें यहाँ पर गेम प्ले डालना चाहते हो और उसके लिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो जो आपके गेम प्ले को रिकॉर्ड कर पाए, तो आप सभी को पता ही होगा कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके जो यहाँ पर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसके जो सारे रिसोर्सेस हैं वो ले लेते हैं। क्योंकि अगर आपका जो लैपटॉप है वो काफ़ी कमज़ोर है या उसके स्पेक्स काफ़ी कम है तो फिर यहाँ पर आपका जो गेम प्ले है वो काफ़ी स्टटर वगैरह रिकॉर्ड होगा या फिर आपका जो गेम प्ले जो एक्सपीरियंस होगा वो भी यहाँ पर ख़राब हो गया होगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं या फिर विंडोज 11 यूज करते हैं तो उसके लिए फिर आपको कोई अलग से जो यार यहां पर गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। विंडोज 10 11 में प्री इंस्टॉल ही एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपके सारे गेम प्लेस को आराम से रिकॉर्ड कर देगा। तो यार वो कौन सा सॉफ्टवेयर है सभी वीडियो बताऊंगा। चैनल पर मेरा है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज करते हो उसमें आपको मिलता है एक्सबॉक्स गेम बार, जो कि आप यहाँ पर विंडोज में जाओगे तो यहाँ पर आप एक्सबॉक्स गेम बार डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप विंडोज जी दबा देते हो तो विंडोज जी दबाओगे यहाँ पर कुछ पैनल सा खुल जाएगा। ये एक्सबॉक्स गेम बार वाला ही पैनल है, यहाँ से आपको परफॉर्मेंस का भी अंदाजा लग जाएगा क्या कुछ क्या चीज यूज हो रहा है यहाँ पर। साथ साथ अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ जो कि मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस टैब को ओपन करने के बाद सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में जैसे जाओगे यहाँ पर आपको नीचे शॉर्टकट में आना है। तो देख सकते हो यहाँ पर आप गेम प्ले अगर गेम पैड से खेलते हो तो आप यहाँ पर उसके जो होम बटन होता है उससे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर कुछ डिटेल में कीबोर्ड कीज भी लिखी हुई है कि विंडोज जी दबाओगे तो एक्सबॉक्स गेम बार जो है ओपन होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये दबाना होगा, और अगर रिकॉर्ड करना है आपको जो रिकॉर्डिंग है वो तो एल्ट और विंडो प्लस आर दबाओगे, या माइक्रो जो माइक्रोफोन है उसको बंद और चालू करने के लिए भी यहाँ पर एक की दी हुई है विंडोज एल्ट प्लस एम, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अकाउंट वगैरह भी आप चाहो तो साइन इन कर सकते हो। यहाँ पर विजिट मेनू में भी कुछ आपको डिटेल दी है, और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो थीम भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, और आपको आपका जो यहाँ पर कर्सर है वो गेम में दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो भी सेट कर सकते हो। उसके अलावा कैप्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ है कि आपको गेम के साथ माइक भी जो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है या सारी ऑडियो को यहाँ पर डिसेबल कर देना है, या गेम के साथ आपको और अदर ऐप सिस्टम की भी यहाँ पर जो साउंड है वो भी रिकॉर्ड करनी तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पर ये सिंपली इसी चीज को करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर नीचे और बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इतना सेटिंग हो गया। आप बात करते हैं कि यहाँ पर हम चीज़ को कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें कितना यहाँ पर हाई में रिकॉर्ड करना है या लो में रिकॉर्ड करना है या 30 FPS में रिकॉर्ड करना है या 60 FPS में रिकॉर्ड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो दबाना है, यहाँ पर कैप्चर डालना है। कैप्चर जैसे ही आप डालोगे यहाँ पर आपको नीचे कैप्चर सेटिंग दिखेगा, कैप्चर सेटिंग में आपको चले जाना है। जैसे कैप्चर सेटिंग में जाओगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्टरी, यहाँ पर आप कहाँ पर सेव होगा ये भी पता चल जाएगा। आप चाहो तो मनपसंद फोल्डर भी सेट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको देख सकते हो कितना आपको रिकॉर्ड करना है। 4 घंटे मैंने सेट कर रखा है, आप 30 मिनट भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा ऑडियो अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ऑन करना, नहीं करना चाहते हो तो बंद भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ऑडियो क्वालिटी, यहाँ पर मैंने मैक्स 192 kbps रखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको अगर अच्छा लगता है वो भी आप कर सकते हो। माइक्रोफोन वॉल्यूम मैंने यहाँ पर 100% और सिस्टम वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो 50% रखा है, जो कि गेम की आवाज़ यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है वो रिकॉर्ड वीडियो लिखा हुआ है 30 FPS में यहाँ पर रिकमेंडेड है, 60 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा साइज यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसके अलावा नीचे वीडियो क्वालिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड है जो कि लगभग 10,000 kbps के आसपास रिकॉर्ड करता है, और जो हाई करोगे तो लगभग 40,000 kbps के आसपास रिकॉर्ड कर लेगा। तो अगर मैं अगर एवरेज बताऊँ तो आधे घंटे का अगर आप गेम प्ले करते हो तो स्टैंडर्ड में वो 2.5 GB के आसपास आएगा, और अगर हाई करते हो तो वो लगभग 9-10 GB के आसपास आ जाएगा। यहाँ पर आप कैप्चर वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग कर लोगे आपकी सारी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होगी। आप आपको क्या करना है, ये तभी लॉन्च होगा जब कोई गेम यहाँ पर आप चलाओगे। तो मैं फटाफट से एक गेम यहाँ पर लगा देता हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ पर राइज ऑफ द टूम रेडर ही लगा देता हूँ जो कि मेरा काफ़ी पुराना गेम है, और मैं इसे आपसे सामने ही स्टार्ट करूँगा किस तरीके से आपको गेम प्ले वगैरह करना है। और मैंने गेम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और गेम स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही मैं अभी होम स्क्रीन पर पहुंचूंगा फिर बताऊंगा आपको क्या क्या आपको करना है। तो जैसे गेम प्ले पहुंचा आपको क्या करना है, विंडोज प्लस जी दबा देना है। जैसे जी दबाओगे यहाँ पर सारे चीज़ आ गई है, यहाँ साउंड पर क्लिक करके आप अपनी माइक की साउंड भी देख सकते हो कितनी है, गेम की साउंड बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, वॉइस यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर माइक्रोफोन आ रहे, जो इनबिल्ट माइक है वो यहाँ पर हो रहे हैं, चाहो तो एक्सटर्नल माइक भी कनेक्ट कर सकते हो आराम से, और अच्छी आवाज़ यहाँ पर आपकी आएगी। और फटाफट से यहाँ पर गेम प्ले पर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा गेम प्ले वाला चीज़ है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गेम प्ले पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका देख सकते हो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। यहाँ पर देख सकते हो अभी माइक मेरा बंद है, तो अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो माइक से मेरा जो भी होगा इसमें गेम प्ले में रिकॉर्ड हो जाएगा। हे गाइस, कैसा लगा आपको गेम प्ले, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर मैं वापस से माइक बंद कर देता हूँ, और मैं गेम प्ले यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ रहता है, और मैं यहाँ पर वापस से जो वीडियो है उसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद गेम को मैं कैंसिल कर देता हूँ, और मैं आपको चलता हूँ यहाँ पर लेके कि कहाँ पर डायरेक्टरी यहाँ पर
सेव हुई है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ यहाँ पर अंदर, और मुझे लगता है ये रही मेरी वो रिकॉर्डिंग जिसमें काफ़ी कम एमबी की है। इसे मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ लाइव, और देख सकते हो जो FPS है वो भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, और आवाज़ आप सुनना। तो गेम कैसा लगा आपको गेम प्ले? तो गेम प्ले की आप वीडियो देख सकते हो, मेरी आवाज़ भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई अच्छे से, लेकिन वो जो मेरे लैपटॉप के माइक थे तो इतनी अच्छी आवाज़ आपको नहीं लग रही होगी। माइक कनेक्ट करोगे तो काफ़ी बढ़िया आवाज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने सारे गेम प्ले जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। 30 FPS 60 FPS बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड करता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, और कोई भी अदर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यार वीडियो अच्छी लगी जरूर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।